हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एएमबी स्पोर्ट्स आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। हमें मुख्तार अग्रोई के साथ, जैसे कि हमने बताया था कि दिल्ली और मुंबई के दरमियान जो टीम टॉस जीतेगी वही मैच जीतेगी, ज्यादा चांसेस उसके होंगे। और कंडीशंस का फेवर लेते हुए दिल्ली ने आज का मैच जीता, 177 रन का टारगेट दिया था मुंबई ने और उसे 179 रन बना के चेस कर लिए, 6 विकेटों से मैच जीत कर आसानी से अपना अपने नाम किया और 2 पॉइंट अपने नाम किए अपना दिल्ली कैपिटल ने। कल जो मैच होने वाला है वो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान है। और इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को और कमेंट्स में बताएं कि हमें और क्या चीज बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, तो हम कल की बात करेंगे। कल जो मैच होगा वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, रात को कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है दिन के हिसाब से। दिन में जो मतलब कि अगर मैच है तो थोड़ा सा कम लो स्कोरिंग मैच होता है। और पहला जो मैच हुआ था यहाँ पर चेन्नई का, तो चेन्नई ने शुरू में टॉप ऑर्डर जो अपना उनका आउट हो गया था तो उसकी वजह से ज्यादा रन टोटल ना बन सका। बट आपने देखा होगा सेकेंड इनिंग में बासानी वो रन चेस कर लिया, 6 विकेटों से जीत लिया था पहला मैच। और अब जो कल मैच खेला जाएगा दोनों टीमों का पहला पहला मैच है आईपीएल की हिस्ट्री में। ये नई टीम है बिल्कुल, नए अपना प्लेयर्स तो पुराने हैं क्योंकि दूसरी टीमों से इस वक्त नए आए हैं प्लेयर और चेंज थोड़ा शफलिंग हुई है टीमों में क्योंकि दो नई टीमें इसमें शुमार की गई हैं। तो लखनऊ टाइटन अपना गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। 29 सेंटीग्रेड कल मतलब के सर्दी देखने को मिलेगी हमारे को। मैं आपको देखकर बताता चलूं कि यहाँ पे चांसेस भी 47-52 सेकंड बैटिंग वालों के जीतने के लिए हैं, 52% जीतने के चांसेस। और 29 सेंटीग्रेड मतलब की गर्मी देखने को मिलेगी हमें। और कल का जो मैच होगा वो भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि टॉस जीतने वाले के लिए बड़ा अहम मतलब होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वही मैच जीतने का राइट रखती है, मतलब की कंडीशंस को फेवर लेती है, कंडीशन की फेवर लेती है। और कल की जो टीम हम देखेंगे तो आपको बताता चलूँ कि मैं कल की टीम में जो प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो बैट्समैन डेविड मिलर हैं गुजरात टाइटंस में, स्वाभिमान गिल हैं, मैथ्यू वेड हैं विकेट कीपर, वर्धमान साहा हैं, स्वाभिमान है, सुंगरमन है और ये गुरबाज हैं। और बॉलर में गुजरात टाइटंस के पास मैं आपको देखता चलूं कि ड्रेक्स हैं, फ्रेक्सोन है, नूर अहमद है अफगानिस्तान से, जोसफ हैं, यादव है इंडिया के, मतलब कि मैं आपको ओवरसीज प्लेयर के बारे में, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन्स के जो कैप्टन है उनके और उनके साथ होंगे राशिद खान, दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स। अब मैं बात करूंगा लखनऊ की टीम के जो कैप्टन हैं वो हैं लोकेश राहुल जो इंडियन टीम के ओपनर बैट्समैन है और विकेट कीपर है। फिर उनके साथ हैं एवन ल्यूज हैं, मनीष पांडे हैं, डी कॉक है साउथ अफ्रीका के ओपनर, बॉलिंग में इनके पास ओवरसीज में चमीरा है, मार्क वुड है, एंड्रयू ट्राय है और शहबाज नदीम कश्मीर से ताल्लुक है इनका। फिर ऑलराउंडर्स में मैं आपको बता चलूं कि बदानी है इनके पास, दीपक हुडा है, जेसन होल्डर है, काइल मिल्स है, मार्कस स्टोनियस है, ये तो अवेलेबल नहीं होंगी, ये पाकिस्तान की सीरीज में यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है। और ग्राउंड कंडीशंस के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे पहले इनिंग में अगर 180-90 रन बन जाते हैं तो दूसरी टीम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट न होगा। जैसे आज देखा था कि दिल्ली के शुरू उठे हुए 10 ओवर में शुरू के 4 आउट हो गए थे मगर रन नहीं रुक रहे थे। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर पहली इनिंग में अच्छा स्कोर हो जाता है तो अंडर प्रेशर हो जाती टीम। और देखने को हम देखेंगे रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे पेसर जो है उन्होंने अब तक जो 6 विकेट हासिल की है और पिछले 10 मैचेस की हम बात करते हैं और 2 विकेटें स्पिनर्स के खाते में आई हैं पिछले 10 मैचेस के हवाले से हम बात करें। तो पिछला मैच केकेआर ने जीत लिया था चेन्नई से इस ग्राउंड पर, चेन्नई उससे पहले चेन्नई ने जीता था 2021 के अंदर जो आखिरी मैच होता, फिर उससे पहले राजस्थान इधर जीता था। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं राजस्थान रॉयल ने किस तरह से जीता था, 6 विकेटों से जीता था। चेन्नई ने 191 का टोटल किया जिसमें आप कह रहा था कि अच्छा टोटल बन जाता तो उसी टीम के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। पर जो पिछला मैच इस सीजन का खेला गया केकेआर और चेन्नई के बीच में, तो चेन्नई केकेआर ने 6 विकेट से मैच जीत लिया और शुरू में चेन्नई की शुरू में आउट हो गए थे। कल जो मैच होगा वो आपको मैंने वैसे पहले ही बताया कि
टॉस जीतने वाली टीम के लिए बड़ा अहम होगा व्हाट अपना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, क्योंकि पिछले तीन मैचेस में वो मुंबई के अंदर ही खेलेंगे मगर मुख्तलिफ ग्राउंड से। तो फिर एक बार फिर मतलब कि ये चौथा जो मैच होगा वो भी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा कल शाम को 7 बजे। अब यही देखा जाएगा कि हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल दोनों का आपस में टकराव होगा। एक तरफ डेविड मिलर है तो दूसरी तरफ जेसन होल्डर है, राशिद खान है, मतलब इनके डी कॉक है, बड़ी अच्छी तवाजन बैलेंस साइड है। पर एक चीज एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि टॉस जीतने वाली टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये मैच, दोनों टीमों के लिए पहला पहला मैच होगा आईपीएल के लिए। मगर प्लेयर्स तो वही हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल इस कंडीशन से एडजस्ट है, इंडियन टीम में खेलते हैं, इंडियन टीम के बैकबोन से दोनों प्लेयर, इनको कंडीशन का बिल्कुल अंदाजा है और तकरीबन सारे प्लेयर्स भी यहाँ पे खेल चुके हैं आईपीएल के अंदर। आईपीएल का ये 15वां सीजन है 2022 का। तो मैं जाने से पहले एक बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले मैच का नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि आने वाले हर मैच का नोटिफिकेशन आपके पास आता जाए। अगले मैच देखने में इजाजत है, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।